Astana. Сейчас мы с вами прощаемся. Желаем всего хорошего. До свидания. Route Sultan Airport Astana का. अभी यहाँ पे -14 डिग्री हो रहा है. हम लोग रात को ही 2 बजे पहुँच गए थे. यहाँ पे एक वीडियो अपलोड हो रहा है और ये यहाँ पे हम ये सो रहा था और हम लोग इसको आके सरप्राइज दिया है और यहाँ पे हम लोग पूरी रात सोए हैं. ये है लॉन्ज एरिया है. लॉन्ज नहीं बोल सकते क्या, ये वेटिंग एरिया है. यहाँ पे हम लोग पूरी रात सोए हैं और अभी एयरपोर्ट के बाहर जाएंगे. हम लोग की फिर से 1:30 बजे फ्लाइट है तो हम लोग को जल्दी से बाहर से घूम के भी आना होगा. सीन तो अच्छा से लगा के कुछ खाने के लिए खोजने जा रहे हैं बाहर और देखते हैं कहाँ कुछ. ये मेरा बैग है. हाँ तो बाहर स्नोफॉल हो रहा है और हम लोग को अभी चेक इन करना है कुछ देर में, 1 घंटे में. तो कुछ खाना पीना खा लिया जाए. तो ये हॉट चॉकलेट और चिकन सैंडविच का 3250 टेंगे पड़ा जो कि YNR में 585 रुपये, जो मेरे क्रेडिट कार्ड से भी कटा है. मेरे क्रेडिट कार्ड से 585 रुपये कटा है तो ऑलमोस्ट ठीक ही है. प्राइस ज़्यादा है भी नहीं. उसके बाद यहाँ पे जैसे हम लोग पीछे अपना सब सामान छोड़ के आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चोरी चकारी कुछ नहीं. और यहाँ के एयरपोर्ट पे जैसे एयरपोर्ट के अंदर आते हैं, जैसे इंडिया में दिल्ली में या कहीं पे भी इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेक इन होता है. आपके पास टिकट है तभी आप एंट्री ले सकते हैं. यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी एंट्री ले सकते हैं. बस जब चेक इन करते हैं तभी सिक्योरिटी चेक होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा चेक नहीं होता है इंडिया के मुकाबले. इंडिया में एक एक कम से कम 3 से 4 मिनट तो चेक इन करता है. यहाँ पर बस एक मशीन के थ्रू आप जाए आए ख़त्म. इतना बड़ा ही चेक इन है. और आप यही सैंडविच इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर, कोई छोटा एयरपोर्ट पे भी आप लेते हैं तो आपको बस सैंडविच का 500 पड़ता, जो कि यहाँ सैंडविच प्लस लार्ज हॉट चॉकलेट इस दोनों का 580 रुपये के आसपास पड़ा है मेरे को. तो करेंसी सस्ता है तो इसके मुकाबले खाना पीना भी यहाँ सस्ता ही है. हम लोग निकलने वाले हैं उस्मान एयरपोर्ट के लिए. कैसा रहा अस्थाना का सफ़र? अस्थाना का सफ़र तो अच्छा, बस यहाँ ठंड इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं हुआ. फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब उस्मान एयरपोर्ट, फिर वहाँ से सेमी है ना. राना एक्साइटेड है अपने यूनिवर्सिटी को देखने के लिए? इतना नर्वस क्यों लग रहा है तू? बता मानसी, ओवर एक्साइटेड है? अरे भैया आएंगे लेने के लिए, बात हो गया मेरा. कैसे आएंगे? अच्छा भैया का आदमी आएगा लेने. थैंक यू विजय चौधरी, डॉक्टर विजय चौधरी भैया. थैंक यू डॉक्टर विजय चौधरी भैया, आपने स्पेशल हमें मिलाया. बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ, -14 डिग्री. कैसा लग रहा है? ना मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है.
लोग बस में होके जाते हैं अब। हाँ मानसी बताओ कैसा लग रहा है यहाँ सेमी आके यूके के, क्या नाम है इस जगह का? अपना 36 आवर बर्बाद करने के बाद फाइनली हम उसके मान पहुंच चुके हैं और अब सेमी जाने के लिए। और एक नया स्टूडेंट मिला है ओम नाम से। ओम कहाँ से? ओम गुजरात से हूँ गाइस। प्लीज अपने भाई को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। अच्छा ये सेमी यूनिवर्सिटी यूक्रेन से था। और हमारे भैया दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे स्नोफॉल है। अभी टेम्परेचर -14 degrees हो रहा है। ये हमारे साथ इन्हें इंग्लिश आती नहीं और हिंदी आनी नहीं चाहिए तो पता नहीं कैसे लेकर जाएंगे। रात यक्त भिजवाते कहाँ यही Hey, thank you very much. Все, больше ничего не знаю. Your name? Yeah, my name is Ardak. Ardak? तो ये और किसे? आज मैं इसका मिल रही हूँ तब भैया मेरी जबान ये आया इंडिया से लेकिन अभी भी इसके दिल में एक प्लेन बसा है। बताओ और आया कहाँ है? कजाकिस्तान। क्या होगा तो इसमें इसमें गलत क्या है? उसका प्रॉब्लम रशिया के साथ है, उसके साथ थोड़ी है कजाक के साथ। ये देखो व्यू सिमिलर टू आवर टर्नोपिल। इंग्लिश के लिए वन कट। ये गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम हो रहा था तो हमारा चश्मा ले लिए। तो आप भैया बोल रहे हैं मेरे को गिफ्ट कर दो, तब देखते हैं। चश्मा महंगा है, गिफ्ट तो नहीं कर सकते। अब ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो देना पड़ेगा। इसी तरीके से जब यूक्रेन से वापस लौटे थे वॉर के टाइम। ओ भाई बहुत दर्दनाक समय था वो। इस तरीके से ट्रैफिक मिल रही थी और आज हम वापस कहीं और किसी और देश में। सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम लोग को बहुत याद आ रहा है वो जगह, वो दोस्त, वो यूनिवर्सिटी, वो टीचर्स। बहुत अच्छा वो बहुत अच्छा जगह था। हम लोग का नया नया दोस्त बनेगा। फाइनली सनसेट हो गया और हम लोग सेमी भी पहुंचने ही वाले हैं। व्यू बहुत ही अच्छा व्यू है।